सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, फाइनली हमारा लूम कंपनी का सार्क एन टाइप टॉपकॉन 575 वाट सोलर पैनल लग गए हैं। अब ये दोस्तों सोलर पैनल लगे कहाँ हैं वो हम भैया से पूछ लेते हैं। भैया पहला आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है, माइक इस तरह पकड़ना है, और आप अपना नाम बता दो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। अच्छा, और आप? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है, तहसील चांदपुर, विलेज बाड़ी वाला से। अच्छा, बाड़ी वाला। सिस्टम हमने YouTube पे ही देखा था फरमान जी, भाई का जी, और उसके देखते हुए हमने जो है हमने भी इसका विचार बनाया, और जैसे ही हमने इनसे संपर्क करा, संपर्क करने के बाद हमने ये अपने घर पे लगवाया। अच्छा अच्छा, ये बताइए, संपर्क करने से पहले आपने मेरा कहीं देखा था ये? हाँ, हमने नज़दीक में देखा था, जैसे YouTube पे हमारे नज़दीक में लगा हुआ इब्राहिमपुर माफी में। जी जी, थोड़ा इस तरह से बताना है, कहाँ देखा था? इब्राहिमपुर माफी में। कौन से पैनल? जेपी नगर में। कौन से पैनल, क्या देखे? लूम का है सार्क और टॉपकॉन वाईफिशियल 575। कितने पैनल लगे हैं वहाँ? ये 16 पैनल। 16 पैनल वहाँ लगे हुए थे इब्राहिमपुर माफी में। उनका जिला अमरोहा पड़ता है, इनका जो पड़ता है वो बिजनौर पड़ता है ना, यानी कि 5-7 किलोमीटर की दूरी है। और दोस्तों यहाँ पे भी जो सिस्टम उनका लगा हुआ था वही सिस्टम इन्होंने लगाया। अब सिस्टम किनका लगा हुआ था वो भैया भी हमारे पास में ही है। भैया आप एक बार और अपना नाम बता दो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भरत सिंह है। अच्छा, ग्राम इब्राहिमपुर से हूँ मैं। मेरा सिस्टम को लगा हो 6 महीने हो गए लगभग, इनके को बढ़िया रन कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, कोई एकदम टॉप। हाँ, गंदे तो मौसम में भी काम करता रहता है, यू है हल्का हो जाता है कुछ, पर काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने पैनल लगे हुए हैं और बता दो? 16 पैनल है 575 वाट के टॉपकॉन 16 वायर में वाईफेशियल एन टाइप टॉपकॉन एन टाइप। तो दोस्तों यहाँ भी जो सिस्टम इनका भरत भाई का लगा हुआ है वही सिस्टम इनका सुरेंद्र भाई का लगा हुआ है। सेम है, सेम सिस्टम लगा है। और यहाँ पे जो लगे हैं दोस्तों लूम कंपनी के 575 वाट मोनो पर खापकट बाईफेशियल एन टाइप टॉपकॉन। जैसे कि यहाँ पे ब्रांड चेक कर सकते हो, कंपनी का नाम है, और उसके साथ साथ यानी कि पूरा सिस्टम ही हमने सोलर मॉड्यूल को इंस्टॉलेशन करा है। आप यहाँ देख सकते हो स्ट्रक्चर की जो फिटिंग है काफ़ी बढ़िया आई है। और बाकी कैसी फिटिंग आई है जो मैन आदमी हम उनसे पूछेंगे। भैया ये बताओ फिटिंग कैसी लगी, काम बढ़िया कैसा लगा? बहुत अच्छी है देखने में, फिटिंग भी बढ़िया है और ठीक ठाक है। काम बढ़िया लगा हमारा, सही चल रहा है, बस लेकिन थोड़ी चक्की की प्रॉब्लम हो रही है, जी, वो जी, थोड़ी सी रिप्लेस होगी। अच्छा, तो दोस्तों चक्की की थोड़ी जो है वो नीचे चल के जो भी है हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों पैनल लगाए हैं वो 16 पैनल है लूम कंपनी के सार्क 575 वाट एन टाइप टॉपकॉन। कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पे लूम कंपनी का जो लोगो है वो भी हम एक बार दिखा देते हैं, किस तरह से जो लोगो है कंपनी ने अपना दे रखा है। प्लस 16 बस वायर का पैनल है ये, यहाँ लूम का आपको ब्रांड नज़र आ रहा होगा, लूम सोलर शार्क, और यहाँ पूरी डिटेल नज़र आ रही होगी 575 वाट का, यानी कि सारी स्पेसिफिकेशन इस जो है स्टिकर के अंदर है, और कांच के अंदर ब्रांड नाम आपको चमक ही गया होगा। और बाकी जिस तरह से भी हमने सोलर मॉड्यूल को इंस्टॉलेशन कराया है वो आप देख ही चुके होंगे। और ये दोस्तों जो मेरा सोलर सिस्टम लगवा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर तहसील चांदपुर और यहाँ पे गांव बाड़ी वाला है, और जो है ये बास्टा उसके पास में, यानी कि 8-10 किलोमीटर के आसपास में ही मेरा सोलर सिस्टम लगा हुआ है। इस एरिया में मेरे काफ़ी सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, तो अगर कोई भाई भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है तो लगवा सकता है। साथ ही साथ में दोस्तों आपके लिए एक ऑप्शन और मिल गया है, अगर आप अपना सोलर 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 30 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट किस्तों पर लगवाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास सुविधा है, वो भी आप लगवा सकते हो, किस्तों पर आपका लग जाएगा। ऑल यूपी में आप कहीं से भी सोलर सिस्टम किस्तों पर लगवा सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया, ये तो हार्ड कैश लगाया है, बाकी किस्तों पर भी हमारे पास सुविधा है, जल्दी ही आपका काम हो जाएगा, घर बैठे आपका काम हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं है कि बैंक के द्वारा, मतलब बैंक के तुम्हें जो है डेली चेक करवाने पड़ेंगे, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, घर बैठे ही आपका काम होना है। तो दोस्तों ये था मेरा कुछ इस तरह से सोलर सिस्टम, और हमने यहाँ पर पूरी फिटिंग कर दी है, सारा कुछ कर दिया है। अब चलते हैं नीचे की तरफ, और नीचे चल गए, जो भी इनका सोलर सिस्टम रनिंग कर रहा है और किस तरह से मोटर अभी डैमेज जो है वो रख के हमने हम दिखाने वाले हैं, वो चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। चलते हैं नीचे की तरफ। तो गाइज आ चुके हैं हम नीचे की तरफ, और नीचे चल के जो इनकी आर्डर चक्की है उसको दिखाने वाले हैं, साथ ही साथ में जो हमारा 20 HP का फ्रैकोन का BFD ड्राइवर लेटेस्ट मॉडल में, और जो 7.5 HP का मोटर है वो भी दिखाने वाले हैं। तो कैमरामैन अंदर आना है, सबसे पहले जो हम इनका जो आर्डर चक्की है 24 इंची का वो दिखाने वाले हैं। अभी ये नया आर्डर चक्की है, और ये जो आर्डर चक्की दोस्तों अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है, क्योंकि जो इसके पार्ट्स हैं
वो अभी जो है पूरी तरह से सेट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हमने जो है इसको पूरा मतलब पूरा एक जो है चक्की को चला के देखा था, तो उसके बाद में इस तरह की जो है ये दाने की क्वालिटी आ रही थी। तो अभी जो इसके मिस्त्री है वो आएंगे और इस जो इसको आटा चक्की के जो पार्ट्स हैं उसको अच्छे से ये रनिंग कर देंगे। हमने चला के देख लिया था, टेस्ट कर लिया था, बाकी चल बढ़िया रहा था। और यहाँ पे ये भी इनकी आटा चक्की है। दूसरी साइड में अगर हम मोटर की बात करें दोस्तों, ये पुराना मोटर है 7.5 HP का, और ये मोटर भी ऐसे ही रख रखा है, इसका फाउंडेशन नहीं है। ये जो आप देख सकते हो लकड़ी में ऐसे मतलब एक डमी के लिए लगा दिया था। ये पुराना ऑर्डर ओल्ड मोटर है। और इधर से हमारा जो सोलर का कनेक्शन है वो आ रहा है, वायरिंग यहाँ पर आ रही है। और दूसरी साइड में दोस्तों हमारा फ्रैकॉन का लेटेस्ट मॉडल 20 HP का BFD ड्राइव ये रखा है, यानी कि इसी से पूरा सिस्टम चल जाता है। अगर एक समय मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, चला के दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ खाली एग्जाम्पल के लिए, तो देखो यानी कि पूरी हमारी मोटर जो है वो रन हो रही है, यानी कि सिस्टम हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। खाली फिटिंग रह गई है, जिसकी वजह से अभी जो है ये पूरी तरह से सेट नहीं हो पाई है। जैसे ही मोटर पर लोड डाल रहे हैं, मोटर हमारी आगे की तरफ आ रही है, खिंच रही है, उखड़ रही है मोटर। इसलिए जो है ये जब तक इस मोटर का फाउंडेशन नहीं बनेगा, जब तक अच्छे से वो काम नहीं करेगी। उधर चक्की भी हमारी चल रही है। तो दोस्तों ये मेरा सोलर सिस्टम जो लगा हुआ है उसका एड्रेस भी हम आपको बता दिए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।